अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू लॉकिंग गेमर्स। मैं हूँ इफ्ज़ार। आज हम फिर से खेलेंगे जीटीए स्टैंडर्ड। आज हम तकरीबन इसके 9-10 मिशन कर चुके हैं। 12वें 12वें मिशन पे जो हम फंसे हुए थे, एक जो था एस स्वीट के पास मिशन वो था कार डांस वाला, वो नहीं था, और दूसरा था राइडर के पास, वो मिशन हमारा फेल हो गया था। खैर, दोनों मिशन मैंने अटैम्प्ट कर लिया है। स्वीट वाला जो डांस वाला, उसके लिए कीज चेंज यूज़ करनी थी, जो कि मैंने यूज़ करके मिशन अटैम्प्ट कर लिया, और आर का मिशन हो गया। नेक्स्ट मिशन देखते हैं आर के पास कौन सा है। सी एस के जो स्वीट के पास जो मिशन थे वो सारे हो गए खत्म। आर का जो मिशन था ना, वो भरपूर फाइट वाला था लास्ट वाला, और उसमें हमें कोई पैसे भी नहीं थे मिले। रिस्पेक्ट ऐड की थी उन्होंने, और वो भी हमें यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रही। रिस्पेक्ट जीरो है टोटली। खैर, फिलहाल नेक्स्ट मिशन करते हैं, जो क्या रॉबिंग द अंकल। ये अंकल सैम, ओके, पढ़ने की जरूरत नहीं है, लंबी चौड़ी इनकी स्टोरी होती है। जो हमें टास्क मिलेगा हमने सिंपल वो कम्प्लीट कर, गेट द वैन विद द गेट इन द वैन विद द राइडर। ओके जी, तो फिलहाल हमें उन्होंने ये बोला कि वैन में बैठे और राइडर के साथ चले जहाँ भी जाना। फिलहाल मैं पहले सॉन्ग बंद कर लूँ, ड्राइव डाउन टू द कंपाउंड एट ओशन डॉक्स। मैं सॉन्ग बंद करती हूँ ज़रा पहले। ओके जी, तो इसमें हमें जो है वो टास्क मिला कि हमने किसी भी अंकल सैम के जो है वो रोबरी करनी है। पता नहीं अंकल सैम कौन है, क्या लगते हैं हमारे। खैर, फिलहाल हम ट्रक उधर ले गए के जा रहे हैं। ट्रक को ज़रा सेफली ड्राइव करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा, क्योंकि तेज़ ड्राइव करें तो ट्रक उलझ जाता है, जो कि एक्सीडेंट का बायस बनता है। ट्रक में आग लगने का बायस बनता है, जो कि मिशन फेल होने का बायस बनता है। बस उठे राय पै गए से। फिर ये रास्ता हमें क्यों हमेशा धोखा देता है। पता नहीं कहाँ कहाँ ले जा कर ले जाएंगे हमें। ये पुल अच्छा है। हाँ, राइडर के मिशन की एक बात खास है कि राइडर के साथ हमें जितने मिशन किए ना, खुद ही हमारे साथ जाता है हर मिशन में। इसके साथ हम हर मिशन में जाते हैं और हर मिशन इसके साथ जाके करते हैं। स्वीट जो है वो खुद घर बैठ जाती है और हमसे मिशन कराती रहती है। खैर, उसके मिशन खत्म हो गए हैं, उसकी जगह हमें एक नए मिशन मिले हैं, उसके पास भी जाएंगे। पहले राइडर के मिशन मैकेनिक खत्म कर लूँ, लेकिन उसके पास भी जाना है यार। ऐसे टूटती है भला, इसको तोड़ के देखे ना। मैंने कहा ऐसे ही तोड़ लें। अगर ट्रक मैंने उल्टा पार्क कर दिया। खैर, लंबी चौड़ी कहानी सुनने की जरूरत नहीं। एक तो ये ओके जी, कोई जीप आई है, जीप राडो। ओए ओए, यहाँ पे तो आर्मी है, और ये तो बड़ा फाइट वाला मिशन होने वाला है। हमारी पावर तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। और हमें डाका डालने लिए जो है ना, पासवर्ड वगैरह भी चाहिए साहब, लग रहा है मुझे मिशन का। और खैर, ओपन द फ्रंट गेट बाय शूटिंग द स्विच ऑन द। एक तो हमारे पास गन भी तो नहीं चाहिए ना, कोई गन भी तो नहीं ना कोई। ये तो गलत बात है, तुम्हारे साथ ज़्यादाती है। खैर, हम चुप करके तो जाते हैं। वो कह रहे हैं वॉल की दूसरी तरफ जाना, स्विच है जिसको हमने शूट करके जिसके ऊपर हमने शूट करके तो दरवाज़ा खोलना है। पहले इस बंदे से फाइट करनी है, देखना उसके बाद जा रहे हैं। पावर नहीं अपनी कमर में, इसका मुख्य मार मुँह किसका मारना है। पिस्टल था इसका, मैंने ना पावर हमारी इधर ही आधी होने वाली होगी। ये तंग कर रहा है हमें, हमने तो नहीं जाना इसके पास। फिलहाल हमने इसको एक गोली मारनी है, इन दोनों को मारना है। यार ये तो गलत बात है, हमें एक्सपर्ट्स के साथ लड़ने के लिए भेज देते हैं, लड़ा जाता नहीं है। और बंदा मुझे लगता है मर जाना है इधर ही। शुक्र है बंदे मर गए, राइडर की भी पावर आ गई। जो अब हम खुद भी मरे और राइडर को भी मरने से बचाएं, तो हमारे साथ ज़्यादा तो ही है भाई। यहाँ तो हम खुद को बचा सकते हैं, राइडर को। ये लो जी, मिशन फेल, बंदा मर गया। इसको भी मैं कंप्लीट करूँगी बाद में, अब खुद ही बैठ के। राइडर के जाना मिशन बड़े खतरनाक किस्म के मिशन हैं, और इनसे हमें मिलता भी कुछ नहीं, कोई पैसे कुछ नहीं। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो मैंने मिशन अटेम्प्ट किया होगा, देखेंगे अगले मिशन में क्या करना है। चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें आपको अच्छी लगे, और दैट्स इट।